रंगरा में दो अंतर्राज्यीय गिरोह के हथियार तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसटीएफ और रंगरा पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई। रंगरा पुलिस और एसटीएफ पटना की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर अवैध हथियार के साथ दो हथियार तस्करों को धर दबोचा है। गिरफ्तार किए गए हथियार तस्कर मुंगेर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बाकरपुर निवासी मोहम्मद हैदर और कटिहार जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र के बल्थी महेशपुर निवासी और वर्तमान में पूर्णिया जिले के धमदाहा हरिनकोल गांव में रहने वाले सिकंदर कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए अपराधियों से 4 देशी पिस्तौल, 3 मैगजीन, 20 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल और 1 बुलेट मोटरसाइकिल बरामद किया है। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने इस संदर्भ में आयोजित एक प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि एक हथियार तस्कर गिरोह के सदस्यों द्वारा मुंगेर से भारी मात्रा में हथियारों की आपूर्ति रंगरा और पूर्णिया क्षेत्र में किया जाएगा। सूचना के बाद पुलिस द्वारा गठित की गई टीम ने रंगरा राष्ट्रीय राजमार्ग चौक से कटरिया स्टेशन जाने वाली सड़क पर दोनों अपराधियों को अवैध हथियारों के साथ रंगे हाथ दबोच लिया। नवगछिया के एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुंगेर से मोहम्मद हैदर हथियारों की खेप को पहुंचाने के लिए रंगरा एक यात्री बस से आया था और उसे रंगरा में सिकंदर कुमार को हथियारों की डिलीवरी करनी थी, लेकिन ऐन मौके पर पुलिस ने अपराधियों की मंशा पर पानी फेर दिया। मामले की प्राथमिकी रंगरा ओपी थाने में दर्ज कर ली गई है, तो दूसरी तरफ गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। नवगछिया के एसपी ने कहा कि छापेमारी दल में शामिल सभी पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा। छापेमारी अभियान में नवगछिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार, रंगरा ओपी थानाध्यक्ष महताब खां और पुलिस बलों के साथ एसटीएफ पटना की टीम भी शामिल थी। खबर 30 सेकंड के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। वानी विवाह भवन 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। सर्दियाँ इलाज माला पहनते हैं गैस्ट्रिक, ब्लड प्रेशर, गठिया, पाइल्स सहित सैकड़ों बीमारी से पाए निजात। होगा सफल इलाज नहीं तो पैसे वापस। मात्र 72 घंटे में असर शुरू। कीमत मात्र 2100 रुपए। फोन कर अभी ऑर्डर करें, घर बैठे प्राप्त करें। संपर्क सूत्र 9031560165, 9431884830। रंगरा में शराब बरामदगी मामले में एक गिरफ्तार। पिछले वर्ष 9 अक्टूबर को बरामद हुए शराब के मामले में फरार चल रहे रंगरा निवासी बबलू मंडल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी देते हुए रंगरा के थानाध्यक्ष महताब खां ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रंगरा पीएचसी में कोरोना जांच, 15 लोगों का रैपिड एंटीजन और 13 का हुआ आरटीपीसीआर। रंगरा पीएचसी में मंगलवार को हुए कोरोना जांच में एक भी रोगी कोरोना संक्रमित नहीं मिला है। जानकारी देते हुए रंगरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजन ने बताया कि 15 लोगों का रैपिड एंटीजन किट से कोरोना जांच किया गया है, जबकि 13 लोगों का आरटीपीसीआर किया गया है, जिनका सैंपल लैब भेजा गया है। साप्ताहिक अपराध समीक्षा में रंगरा थाने को मिला सुसेवांक। साप्ताहिक अपराध समीक्षा में नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने रंगरा थाने को एक सुसेवांक देकर हौसला अफजाई की है। जानकारी दी गई है कि लंबित वारंटों के निष्पादन, कुर्की जब्ती कांडों का निष्पादन, चेकिंग अभियान ओवरऑल अच्छा रहा, इसी कारण रंगरा थाने को एक सुसेवांक मिला है। रंगरा के थानाध्यक्ष महताब खां ने कहा कि आए दिन रंगरा पुलिस और बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करेगी। आज की खबर में बस इतना ही। धन्यवाद।
लगातार अपने क्षेत्र की खबर जानने हैं तो जीएस न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और वीडियो को शेयर कर कमेंट जरूर करें।